हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में बात करेंगे नए ज़माने की टेक्निकल रसोई कैसे बनाएं कम खर्च में और कम जगह में। तो फ्रेंड, ये हमारी रसोई है, देख सकते हो, ये यानी कि किचन है। तो हमने इसको किस हिसाब से बनाया है, इसकी लंबाई और चौड़ाई हम आपको बताएंगे। लंबाई चौड़ाई बताने से और इसकी हाइट बताने से पहले हम इसकी पहले लोकेशन दिखाते हैं। देख सकते हो, ये पहले सबसे पहले इन खानों को देखो। इन खानों का हम क्या करेंगे ये आप कमेंट बॉक्स में पूछो ना पूछो, लेकिन मैं तुम्हें बताऊंगा ज़रूर। और देखो दोस्तों, ये देखो क्या बढ़िया इसमें लोकेशन है। थोड़ा मैं दूर से ले लेता हूँ। तो अगर आपको भी ऐसी रसोई बनानी है तो आप जो है इसी साइज से आप बना सकते हैं। लेकिन ये रसोई जो है, ये हमारा जो फ्लैट है, ये 50 गज का फ्लैट है। तो इसमें देख सकते हो, ये सामने जो है, ये सामने रूम है। ये रूम है 12x12 का, ये रूम 12x12 का है। और फ्रेंड, इसके बराबर में जो है हमने वो ले लिया है बाथरूम, ये वाला बाथरूम। और इसके पीछे जो है शाफ्ट है, यहाँ से देख सकते हो ये शाफ्ट है, ये वाली। लेकिन हमारा टॉपिक जो है रसोई बनाने का है, तो मैं रसोई की पूरी जानकारी तुमको देता हूँ। सबसे पहले ये मेरी जो रसोई है, ये वाली जो रसोई है, इसकी यहाँ से यहाँ तक की हाइट हमारी 2 फुट 5 इंच है, यहाँ तक क्लियर। यानी कि आपको जो है, आपका जो भी मिस्त्री स्लेब डालेगा, तो उस स्लेब को देख सकते हो, जैसे मिस्त्री ने स्लेब डाला तो उससे इतना एक्स्ट्रा पत्थर रखना है, यानी कि 2 इंची पत्थर एक्स्ट्रा आगे को निकालना है यहाँ से, ताकि उस पर लटक जो है हमारी ये आधे इंची की जो हमारा मार्बल पीस आता है, लटक लग सके। तो ढाई, ये आप 2.5 का भी डाल सकते हैं, लेकिन इसमें 2 फुट 5 इंच का काफ़ी है। और दोस्तों, इसकी यहाँ से यहाँ तक लंबाई है। मैं लंबाई तो मैं दो तरीके से बताता हूँ। यहाँ से देख सकते हो, एक ये एक टैल है 1.5 फिट की, एक टैल ये है 1.5 फिट की, दो और एक टैल ये है 1.5 फिट की, और एक टैल ये है, और ये 1 फिट की है। यानी कि 1 फिट और 1.5 और 1.5 3 4 हो गया, और 3 6 6, और जी के ये 7 फिट इसकी यहाँ से यहाँ की चौड़ाई है, और 7 फिट उस वाले कोने से इस वाले कोने की चौड़ाई है, यानी 7x7 का जो है इसका एरिया है। और फ्रेंड, ये खाने जो बनाए हैं, सॉरी आप जो है इसकी हाइट बताता हूँ मैं। ये जो स्लेब है, इसकी हाइट यहाँ से लेकर और यहाँ तक नीचे वाले फर्श तक कितनी हाइट है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की इसकी जो है 30 इंची की हाइट है। तो यहाँ से 30 इंची में जब हमारा ये पड़ जाता है 2 इंची का या 3 इंची का स्लेब, तो इसकी हाइट जो हो जाती है 32 हो जाती है। फिर माल वाल डल के 1 इंची आ जाता है, तो 33, ये यानी कि 34 इंची पर कंप्लीट बैठता है, 34 इंची पर कंप्लीट बैठता है, जो कि फिक्स पड़ता है। अब ये जो खाने बनाए हैं हमने, ये 1.5 फिट के खाने हैं, यानी कि ये देखो मैंने हाथ से 1 बिलान और 2 बिलान, यानी कि 9 × 2 = 18 बैठे। ये हाथ से यहाँ तक की जो इसकी दूरी है वो 16 इंच की है। इंची टैप नहीं है मेरे पास, ना तो इंची टैप से बताता। और इसकी ये जो मार्बल के पीस है, याले की अरियाले की, इन दो इसकी गैप जो है 16 इंची का है। और ये कैसे फिट करा है, ये हमने सामने जो हमारी दीवार है, इस दीवार में हमने कटिंग करी है, कटर मशीन से कटिंग करके नीचे भी कटिंग करी है, यानी कि नीचे छैनी से और ऊपर भी, देख सकते हो ऊपर भी, तो हमने ऊपर भी फिक्स करा है। तो और इसमें जो है हमने ब्लैक वाला सीमेंट भरा है। और इसमें लगाना क्या है, तो ये जो रसोई है इसमें हमें क्या काम करना है, इसमें ड्रोज आती हैं खोलने और बंद करने वाली, जिसमें आप तरह तरह की सब्जियां इस डिब्बे या सामान रख सकते हो। तो ड्रोज कैसे लगाएंगे, ड्रोज की पत्ती आती है पूरी लंबी लगेगी, तो वो पत्ती जो है इस साइड से लेकर ऐसे लंबी लगेगी और यहाँ पर भी लंबी लगेगी, तो वो जो है पत्ती इसमें अंदर बाहर का काम करेगी ड्रोज का, यानी कि खाने बनने हैं इसमें। इसमें 3 ड्रोज बनेंगी या 2 ड्रोज बनेंगी, वो आपकी मर्ज़ी है। और इसी तरीके से इसमें भी ड्रोज बनेगी। और ये जो पत्थर है यहाँ पर, हमने समय इसमें नीचे समय भी टाइल लगानी है हमने यहाँ पर। और फ्रेंड, इसमें जो है 2 पल्ले लगेंगे, एक पल्ला यहाँ से इस वाले कोने तक लगेगा और एक पल्ला यहाँ से इस वाले कोने तक लगेगा। और इसमें सिंक जो दी है, देख सकते हो ये हमारी सिंक काफ़ी बड़ी है, ये 22x18 की सिंक है, और इसका पानी जो हमारा इधर गिरेगा। तो अब मैं इसका फाइनली जो है वो दिखाता हूँ, जो हमने नीचे लगाई है वो ऊपर में लगाई है, तो मैं दिखाता हूँ ऊपर जाके वो फाइनल वाली किस कदर अच्छी लग रही है हमारी जो किचन है।
तो फ्रेंड देख सकते हो ये जो है हमारी किचन फाइनल किचन है। ये देखो टाइल्स भी आ गई हैं, ये इस तरीके से देख सकते हो कितनी सुंदर लग रही है। ये नीचे टाइल्स हैं, ये फाइनल है, इस तरीके से इसका जो है लुक आएगा।